हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ की एक्सरसाइज करेंगे हम 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या दे रखा है, स्क्वेयर फाइंड करना सीखेंगे हम, और दूसरा हमें दे रखा है पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। बाकी अब हम क्वेश्चंस में भी देखते हैं क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम सीखते हैं स्क्वेयर की, कैसे हम स्क्वेयर फाइंड करते हैं। फाइंड द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन नंबर्स की स्क्वेयर निकालनी है। फर्स्ट है हमारे पास 32। अब 32 का हम स्क्वेयर करेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो मेथड। एक तो हमारे पास सिंपल है कि 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमारे जो 6.2 एक्सरसाइज में है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है कि फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना हमें कैसे कर रहे हैं हम। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 32 स्क्वेयर इज इक्वल टू, 32 स्क्वेयर को हम क्या लिखेंगे, 30 + 2, और पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वेयर। 30 + 2 का होल स्क्वेयर कर दिया तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a + b का होल स्क्वेयर, और ये हमारे पास फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a हमारे पास 30 है, b हमारे पास 2, तो a + b का होल स्क्वेयर, a² 30² + b हमारे पास 2² + 2ab, 2 × 30 × 2। 30 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 0 है, 0 का स्क्वेयर 2 × 0 हो जाएगा, और 3 का स्क्वेयर 9, प्लस 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 4, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 120, 900 + 4 + 120 कर देंगे क्या आ जाएगा, 1024। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 35 स्क्वेयर करना है अब हमें। 35 स्क्वेयर में हम क्या कर देंगे, 30 + 5 पूरे का होल स्क्वेयर। अब a + b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² 30² + b हमारे पास 5² + 2 × a की वैल्यू 30 × b की वैल्यू 5। 30² आ जाएगा 900 + 5 का स्क्वेयर 25, प्लस 5 × 2 = 10, 10 की और 30 × 300। अब 900 + 300 = 1200 + 25 = 1225। नेक्स्ट है थर्ड 86 स्क्वेयर, इसको हमने ब्रेक कर लिया 80 + 6 पूरे का होल स्क्वेयर। अब a + b का होल स्क्वेयर है, a² 80² + b² 6² + 2ab, 2a × 2 × 80 × b 6। अब 80 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वेयर 00, 8² 64, प्लस 6 का स्क्वेयर 36, प्लस 2 × 6 = 12, 12 × 8 = 96, और 0 एज इट इज़। अब सबको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7386। नेक्स्ट है 93 को मैंने ब्रेक किया 90 + 3 का होल स्क्वेयर। 90 + 3 का होल स्क्वेयर को हम ब्रेक करेंगे, a² + b² + 2ab, a हमारे पास 90 का स्क्वेयर, प्लस b हमारे पास 3 का स्क्वेयर, प्लस 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 90, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 90 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 0 का 00 हो जाएगा, 9 का 81, प्लस 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, और साथ में क्या है, 0। अब सबको प्लस कर देंगे आ जाएगा 8649। नेक्स्ट इज 71 स्क्वेयर इज इक्वल टू 70 + 1 पूरे का होल स्क्वेयर कर दिया हमने, a + b का होल स्क्वेयर, a² 70² + b हमारे पास 1 का स्क्वेयर, प्लस 2ab, 2 × 70 × 1। 70 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 00 और 7 का 49, 4900 + 1 का स्क्वेयर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1, प्लस 2 की और 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे 140, और फिर सब को हम प्लस कर देंगे 5041। नेक्स्ट है 46 स्क्वेयर इज इक्वल टू, 46 को मैंने ब्रेक कर लिया 40 + 6 का होल स्क्वेयर, a² 40² + b 6² + 2 × 40 × 6। 40 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 1600 + 6 का स्क्वेयर 36, प्लस 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48, और साथ में 0 एज इट इज़। अब सबको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2116, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने स्केयर निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, देखो, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, आपको जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसका एक नंबर दिया हुआ है और हमें क्या निकालने हैं, ट्रिपलेट है तो थ्री नंबर्स होंगे, अब हमें पाइथागोरन के तीनों नंबर्स फाइंड करेंगे। कैसे, देखो सिक्स दे रखा है हमें और पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो किस फॉर्म में होता है, देर आर थ्री नंबर्स, हमारे पास थ्री नंबर्स होंगे, टू एम, एम स्क्वेयर माइनस वन और एम स्क्वेयर प्लस वन, ये हमारे पास क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट, टू एम, एम स्क्वेयर माइनस वन एंड एम स्क्वेयर प्लस वन। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे, इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो हमारे पास गीवन है वो किसके इक्वल लेके चलेंगे, हम टू एम के इक्वल लेके चलेंगे जो भी हमें गीवन है, तो 2m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू, अब 6 इधर है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई था, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3। जब हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर और बचे हुए हमारे जो वो भी फाइंड करेंगे, m स्क्वेयर माइनस वन और m स्क्वेयर प्लस वन। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, m स्क्वेयर माइनस वन, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री निकाल ली थी अभी हमने, थ्री का स्केयर माइनस वन, थ्री का स्केयर क्या आ जाएगा, नाइन माइनस वन, नाइन में से वन जाएगा एट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है हमारे पास एम स्केयर प्लस वन, एम स्केयर, एम हमारे पास क्या है, थ्री का स्केयर प्लस वन, थ्री स्केयर हमारे पास क्या आएगा, नाइन प्लस वन, नाइन प्लस वन कितना आएगा, टेन। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, टू एम हमारे पास क्या था, सिक्स, और ये हमारे पास क्या है, एट, और ये टेन, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आया, सिक्स एट और ए टेन। अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट को प्रूव करके देखना है तो हम कैसे करके देखते हैं, कि जो हमारे पास सबसे बड़ा है उसका स्केयर किसके इक्वल आना चाहिए, जो दो बचे हुए उनके स्केयर के सम के इक्वल आना चाहिए, ये हम प्रूव करके देखते हैं। देखो 10 का स्केयर क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस 8 का स्केयर 64, 64 प्लस 36 कर देंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 100, और ये भी क्या है, 100, दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या बोल देंगे हम, इनको पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसीलिए हम इनको फाइंड करते हैं। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है 14, अब 14 जो हमें दे रखा है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट में से हम 2m के इक्वल लेके चलेंगे। देखो देर आर थ्री मेंबर्स, हमारे पास तीन नंबर्स होंगे, 2m, m स्क्वेयर माइनस वन एंड m स्क्वेयर प्लस वन, हेयर 2m इज इक्वल टू, 2m इज इक्वल टू 14 एंड m इज इक्वल टू 14 बाई 2, 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14, m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 7। अब m की वैल्यू मिल गई, अब सेकेंड हम कैसे निकाल लेंगे, सेकेंड नंबर m स्क्वेयर माइनस वन, एम हमारे पास क्या है, 7, 7 स्क्वेयर माइनस 1, 7 का स्क्वेयर क्या आएगा, 49 माइनस 1, 49 में 7 जाएगा 48। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, एम स्क्वेयर प्लस 1, एम हमारे पास 7 है, 7 स्क्वेयर प्लस 1, 7 का स्क्वेयर क्या आएगा, 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 50। पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास क्या आया, 14 आया हमारे पास, 48 आया और 50। अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट को सॉल्व करके देखेंगे तो इन दोनों के स्केयर का सम किसके इक्वल आएगा, 50 के स्केयर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड में हमारे पास दे रखा है 16। अब हमारे पास 16 क्या है, 2m के इक्वल है और हमारे पास तीन इक्वेशंस होते हैं जिससे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। तो क्या क्या है, देर आर थ्री नंबर्स, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 2m, m स्क्वेयर माइनस वन एंड m स्क्वेयर प्लस है 1, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं। हेयर 2m इज इक्वल टू, जो हमें गिवन है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 2m, 2m इज इक्वल टू 16 एंड m इज इक्वल टू 16 और बाई में क्या लगा देंगे, 2, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, m इज इक्वल टू 8 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, m स्क्वेयर माइनस 1, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, 8 स्क्वेयर माइनस 1, 8 का स्क्वेयर क्या आएगा, 64 माइनस 1, 64 में 7 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 63। इसी तरह से हमारे पास थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, m स्क्वेयर प्लस 1, वैल्यू अप्लाई कर दिया, m की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वेयर प्लस 1, 8 स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा, 64 प्लस 1, 65 आ जाएगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, 63 एंड 65, इन दोनों के स्क्वेयर का सम किसके इक्वल आएगा, थर्ड के स्क्वेयर के इक्वल आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 18। देर आर थ्री नंबर्स, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 2mm² - 1 एंड m² + 1 हेयर। लेकिन हमारे पास जो गिवन है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 2m के इक्वल। 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 बाई 2, 2 1 = 2, 2 9 = 18। m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9। अब m अगर हमारे पास 9 आया तो सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू m² - 1, m हमारे पास 9 है, 9² - 1, 9 का स्केयर आ जाएगा 81 - 1, 81 में से 1 जाएगा, हमारे पास आया 80। थर्ड नंबर हमारे पास क्या आएगा, m² + 1, m हमारे पास 9 है, 9² + 1, 9 का स्केयर क्या आएगा, 81 + 1, 81 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास क्या क्या आया, एक तो क्या है 18, दूसरा हमारे पास क्या आया 80, और तीसरा हमारे पास क्या आया 82। तो ये हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया, 18, 80 और 82। 18² + 80 का स्केयर किसके इक्वल आएगा, 82 के होल स्केयर के इक्वल आएगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोल रखा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू।